परमवीर सिंह, यस, मुंबई के एक्स कमिश्नर ऑफ पुलिस परमवीर सिंह अब सारे केसेस से बाहर है। यस, यही परमवीर सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान की हत्या के समय मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। यही परमवीर सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद 15 मिनट में ये बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत गूगल पे सर्च कर रहा था कि ये सुसाइड का केस है और ये सुसाइड का केस है 15 मिनट में। बड़े से बड़ा पुलिस का डॉक्टर भी ये नहीं बता सकता, लेकिन परमवीर सिंह ने बता दिया था कि ये सुसाइड है, बल्कि वो हत्या थी और अब सामने आने ही वाला है। लेकिन परमवीर सिंह 100 करोड़ वसूली मामले के टाइम पे भी मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। तो अब परमवीर सिंह के सारे केसेस कैसे रद्द हो गए और कैसे वो गवाह बन गए, इसका सारा का सारा सबूत मैं आपको देता हूँ। और कौन सा अब केस सबसे बड़ा केस परमवीर सिंह से निकल गया। हालांकि परमवीर सिंह अभी कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं है, वो रिटायर्ड है और उनको पेंशन भी मिल रही है। परमवीर सिंह के ऊपर इल्जाम था 100 करोड़ वसूली मामले में, मुंबई पुलिस उसकी जांच कर रही थी। परमवीर सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस मेरी जांच नहीं करेगी, सीबीआई मेरी जांच करनी चाहिए। ये कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस मेरी जांच नहीं करे, सीबीआई करे। उसी समय तय हो गया था कि लोगों ने कहा कि नहीं, बीजेपी की तरफ से और सीबीआई की तरफ से मुंबई पुलिस एक्स कमिश्नर परमवीर सिंह गवाह बन चुके हैं सारे केसेस के मामले में। अब ये कहा जा रहा है कि मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस को अपनी नौकरी भी दे दी वापस, जब तक वो निलंबित थे उनको आधी पेंशन दे दी, आधी सैलरी दे दी, और अब जब वो रिटायर हो चुके तो उनको पेंशन भी मिल गई। इसका मतलब क्या निकलता है? अनिल देशमुख के ऊपर आज भी केस चालू है, बाहर है लेकिन केस चालू है, लेकिन परमवीर सिंह पूरी तरह से कम्प्लीटली फ्री हो गए। उसी समय एक केतन तन्ना करके एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है मुंबई के, उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह मुझे धमकी दे रहा था, अनिल देशमुख के घर के बाहर मुझे बुलाया और अनिल देशमुख ने अंदर बुलाया परमवीर सिंह के कहने पे, और मुझे धमकी दी जा रही थी कि 150 करोड़ मुझे आपसे चाहिए। ये 100 करोड़ वसूली मामले के अंडर की ही चीज़ थी और इसके ऊपर परमवीर सिंह के ऊपर केस हो गया था। अब वो केस कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये परमवीर सिंह का आखिरी केस था जितना मैं देख रहा हूँ। परमवीर सिंह के ऊपर जितने भी केसेस है, आधे से ज्यादा केसेस में सीबीआई ने फ्री कर दिया है। परमवीर सिंह ने यह भी कहा था बीच में कि अनिल देशमुख की बोलने की वजह से मैं ये सब कर रहा था और मैं जो पुलिस के जो काम हो रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के केस में और 100 करोड़ वसूली मामले में, वो सचिन वाजे कर रहे थे उद्धव ठाकरे के बोलने पे। मैं तो नाम के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस था, सारी चीजें वो लोग कर रहे थे। एक तरफ 100 करोड़ वसूली मामले में अनिल देशमुख नेता के दौर पे और एक तरफ पुलिस के दौर पे मुंबई पुलिस का कमिश्नर में नाम पे था, लेकिन सचिन वाजे सारे काम कर रहा था, ये कह रहे हैं परमवीर सिंह। अब इसके बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये बात जरूर है कि परमवीर सिंह के ऊपर सारे केसेस रद्द करने का मतलब ये है कि परमवीर सिंह गवाह बन चुके हैं। और इसका सबूत परमवीर सिंह ने खुद ही बताया कि मैं सारी चीजें बता चुका हूँ, अनिल देशमुख से रिलेटेड, सुशांत के केस में, दिशा के केस में, सीबीआई को सारी चीजें बता चुका हूँ, और अनुरोध करता हूँ कि अनिल देशमुख भी इसमें आ जाए। आपको इसमें क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद।